नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। हम बात करेंगे टाइम स्ट्रेचिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में या सैम्पलिंग में। जल्दी से आते हैं और देखते हैं किसी भी लूप को, किसी भी दूसरी टेम्पो की लूप को हम अपने प्रोजेक्ट की टेम्पो की लूप पर किस तरह से मैच कर सकते हैं। मैं यहां गया, मेरा एक सैंपल पैक है, अल्टीमेट कॉर्ड सैंपल पैक। तो यहां से कोई भी एक रैंडम लूप ले लेता हूं। चलिए, मैंने ये ली, चलिए यहां रखा, पीछे किया, मेट्रोनोम मेरा ऑन है। चलिए सुनते हैं। आप देख रहे हैं मेरी टेम्पो कुछ और चल रही है, लेकिन मेरा जो ऑडियो सैंपल है, जो लूप है, वो किसी और टेम्पो पर चल रहा है। तो दो तरीके हैं, बहुत ही आसानी से मैं इस लूप को अपने प्रोजेक्ट की लूप से मैच कर सकता हूं, सॉरी प्रोजेक्ट की टेम्पो से। किस तरह से करूंगा? बहुत सिंपल। ये मेरा पहला बार है, एक से दो, दो से तीन मेरा दूसरा बार, तीन से चार मेरा तीसरा, और पांच तक मेरा चौथा बार, एक दो तीन चार। तो मुझे लूप चाहिए यहां तक, चार बार तक, परफेक्ट लूप। मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा। विंडोज वाले प्रेस करेंगे ऑल्ट और मैक वाले प्रेस करेंगे ऑप्शन। प्रेस करके रखा, जैसे ही मैं यहां गया, ये देखिए साइन चेंज हो जाता है। इसे पकड़ा और पांच तक ले गए, इजी। सुनते हैं। नाइस। तो देखिए किस तरह से कितनी आसानी से टेम्पो के साथ मैच हो गया। ये तब करना है जब हमें अपनी लूप का टेम्पो ना मालूम हो। वापस जाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल यह है कि हो सकता है हमें जो हमारी लूप है उसकी टेम्पो मालूम हो, जो यहां लिखा हुआ है 96, ठीक है, और मेरी जो प्रोजेक्ट की टेम्पो है वो है 120। पिछला तरीका था जब हमें टेम्पो नहीं मालूम, यहां हमें मालूम है 96, तो बहुत ही आसान। मैं क्या करूंगा, ये मेरी फाइल टेम्पो है 96, अगर यहां नहीं भी लिखा हो तो आप लिखेंगे 96, एंटर, ये आई बटन क्लिक करके, राइट, इंस्पेक्टर जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और यहां जाएंगे टेम्पो, टेम्पो पे क्लिक करेंगे और फॉलो या डोंट फॉलो नहीं, मैं क्लिक करूंगा टाइम स्ट्रेच। देखिएगा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वो अपने आप परफेक्ट लूप बन जाएगी। ये देखिए वापिस वो पांच के साथ आ गया। मैच करके देखते हैं। एकदम परफेक्ट टेम्पो के ऊपर, 96 इसकी टेम्पो थी, 120 मेरी, लेकिन एकदम परफेक्टली वो सिंक हो गए हैं। और पहले क्या था, टेम्पो कहीं चल रही है, मेट्रोनोम मेरा कहीं चल रहा है और लूप मेरी कहीं और चल रही है, राइट। तो ये दो तरीके हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके टाइम स्ट्रेचिंग के। कोई भी लूप हो, कोई भी वोकल लूप हो, गिटार लूप हो, चाहे आप रिकॉर्ड करके लाए हैं, चाहे कोई सैंपल पैक यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की टेम्पो हो, कुछ भी हो, आप उसके साथ मैच कर सकते हैं टाइम स्ट्रेचिंग के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल, साइनिंग आउट, नमस्ते।